वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे बॉलीवुड मूवीज उलझ डे 2 वर्सेस औरों में कहां दम था। डे 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपैरिजन वीडियो को लेकर वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। 2 चलिए कंपैरिजन वीडियो शुरू करते हैं। डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन। उलझ मूवी अर्ली एस्टिमेट 1,10,00,000 रूपए। औरों में कहां दम था मूवी अर्ली एस्टिमेट 2,10,00,000 रूपए। डे 1 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। उलझ मूवी 1,80,00,000 रूपए। औरों में कहां दम था मूवी 4,00,00,000 रुपए। डे 2 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। उलझ मूवी एडवांस डेटा 10,00,000 रुपए एंड औरों में कहां दम था मूवी एडवांस डेटा 25,00,000 रुपए। डे 2 इंडिया नेट कलेक्शन। उलझ मूवी आज इंडिया से 1,50,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। वहीं पर औरों में कहां दम था मूवी आज इंडिया से लगभग 2,70,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। डे 2 ओवरसीज कलेक्शन। उलझ मूवी आज ओवरसीज से लगभग 50,00,000 रुपए का कलेक्शन कर रही है। वहीं पर औरों में कहां दम था मूवी आज ओवरसीज से लगभग 1,00,00,000 रुपए का कलेक्शन कर रही है। डे 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। उलझ मूवी आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2,30,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। वहीं पर औरों में कहां दम था मूवी आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4,20,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है 2 वीडियो को लाइक और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। 2 डेज इंडिया टोटल नेट कलेक्शन। उलझ मूवी 2,60,00,000 रुपए। औरों में कहां दम था मूवी 4,80,00,000 रुपए। 2 डेज वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन। उलझ मूवी ने शुरुआती 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं पर औरों में कहां दम था मूवी ने शुरुआती 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 8,20,00,000 रुपए के आंकड़े को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टच कर लिया है। और इसी के साथ उलझ मूवी का बजट 30,00,00,000 रुपीज का है। 30,00,00,000 रुपीज के हिसाब से उलझ मूवी अभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ट्रेंड कर रही है। वहीं पर औरों में कहां दम था मूवी का बजट 90,00,00,000 रुपीज का है। 90,00,00,000 रुपीज के हिसाब से मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर ट्रेंड कर रही है। अगर आपने ये दोनों ही मूवीज को देख लिया है तो इन दोनों मूवीज में से आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई अपनी राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।